एवरीवन, कल मैंने आपको थाली डेकोरेट करना सिखाया था, आज मैं आपको कलसा डेकोरेट करना सिखाऊंगी। क्योंकि कलसे की भी हमें बहुत आवश्यकता होती है। जैसे हम भागवत गीता में जाते हैं, कलश उठते हैं तो वहां पे डेकोरेट हुआ कलश होता है तो बहुत अच्छा लगता है। बाजार में भी अवेलेबल होते हैं लेकिन बाजार में थोड़ा कॉस्टली पड़ता है हमको, इसलिए हम घर में सजा लेते हैं। हमारे पास कुछ सामान भी होता है। तो मैंने कल जो आपको थाली बताई थी वो मैंने चुनरी प्रिंट पेपर था। आज जो मैं ये बताऊंगी आपको कलसा सजाना, वो मैं इस कपड़े से बताऊंगी। इसको चुनरी प्रिंट कपड़ा बोलते हैं। तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है किसी भी क्लॉथ शॉप पे। तो क्योंकि हम कलश में पानी भी डालते हैं इसलिए गीला हो जाता है, तो इस पर पेपर कामयाब नहीं होता, इसलिए हम इस पर कपड़ा लगाएंगे। नाउ स्टार्ट। मैं आपको बताती हूँ कि कलसा सजाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि ये चुनरी प्रिंट कपड़ा है, लेस है। ये कल जैसे मैंने बताया था मेरे पास दो तरह की लेस, आज भी मैं दो तरह की लेस लेके बैठी हूँ। ये मैं आज कुछ गोटा भी लेके बैठी हूँ, ये गोटा बोलते हैं इसको। और ये मेरे पास फेविकॉल है, ये मेरे पास शीशे हैं, ये थोड़े बड़े शीशे हैं, और ये मेरे पास थोड़ी मोतियां हैं जो मैंने कल लगाई थी। नाउ स्टार्ट। हम इस कपड़े को पहले नाप लेंगे कि हमें कितना इसको, जितना हमें कपड़ा इसके लिए चाहिएगा उतना कपड़ा हम इसमें से कटिंग कर लेंगे। इसमें से कट कर लिया है जितना मुझको इसमें से जरूरत है। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे गम्स ग्लू गन की सहायता से या फेविकोल की सहायता से इसको चिपका दूंगी। ये देखो इस तरीके से ये चिपक जाएगा सारा कपड़ा। देखो हम इस तरीके से हमने फेविकोल लगा लिया और इसको चिपकाते हुए चले जाएंगे। ये देखो बहुत आसानी से चिपक जाता है। ये देखो ये पूरा कपड़ा हमारा चिपक गया। और जो हमारी ये देखो इस तरीके से मैंने इस कपड़े से इसको कवर कर दिया है। मैंने आपको पहले बताया था इसको चुनरी प्रिंट कपड़ा बोलते हैं। कल मैं पूरे को कल इसको यहाँ से ऐसे कवर कर दिया। अभी हमारा ये वाला पार्ट अभी रह रहा है, अभी हम इसको कवर कर देंगे। और कल तो मैंने जैसे कि आपको बताया था चुनरी प्रिंट पेपर लिया था, और आज ये मैंने कपड़ा लिया है। क्योंकि कलश में हम पानी वगैरह डालते हैं तो पेपर खराब हो जाता है, इसलिए मैंने इसको कपड़े से कवर करा है। अब मैं आपको ऊपर वाला ये जो हिस्सा है इसको कवर करूंगी, इसको मैं इससे करूंगी चुनरी प्रिंट पेपर से। अब आपको ये मैं दिखाती हूँ किस तरीके से इसको कवर करूंगी। अब ये जो मेरे पास पेपर है, कल मैंने जो आपको थाली सजाना बताया था उसमें से मेरे पास कुछ पेपर बच गया था। अब मैं इसमें से कुछ जो ये डिजाइन बने हुए उनको कट कर लूंगी। और इसका जो कलश का ऊपर वाला एरिया है जो मैंने अभी कवर नहीं करा है उसको मैं अभी इससे कवर कर दूंगी। ये देखो इस तरीके से हम ये वाले निकाल लेंगे। ये एलिफेंट की पिक्चर है, इसको मैं पूरा निकाल लूंगी। इसमें वैसे एक चीज और बता देती हूँ कि इसमें जो भी चीजें होती है छोटी छोटी सारी काम आ जाती है। जैसे कि इसमें ये पत्तियां बनी हुई हैं, ये सब बने हुए हैं सारे डेकोरेट करने के लिए सब चीजें का। ये देखो ये मैंने एलिफेंट इसको कट कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पे ऐसे कवर कर दूंगी और सारे और कटिंग कर लूंगी जितने इस पे कवर होंगे, और मैं सारा इस तरीके से इसको चिपका दूंगी इस तरीके से। ये देखो मैंने चुनरी प्रिंट पेपर में से इस तरीके से डिजाइन्स निकाल लिए। जैसे कलश का है, मोर का है, सथिया है, एलिफेंट है। ये मैंने ऐसे चार पीस इसको नाप के कर लिए हैं, पांच भी आ सकते हैं वैसे इस पे। अभी फिलहाल मैंने चार करे हैं। अब मैं इनको फेविकोल की सहायता से चिपका रही हूँ। इस तरीके से मैंने इसको ऐसे डिजाइन कवर कर दिया है इस तरीके से। ये देखो मैंने चुनरी प्रिंट पेपर था जो उसमें से ऐसे डिजाइन निकाल लिए और इसको कवर कर दिया है। अब मैं इस पे लेस लगाऊंगी। मैंने कल भी आपको बताया था मेरे पास दो तरह की लेस है, ये भी है और ये भी। अभी पहले मैं इस पे लेस लगाऊंगी, फिर इस पे मैं ये गोटा भी लगाऊंगी। अभी देखो अभी मैं इस पे लेस लगाती हूँ। देखो मैंने आपको बताया था मेरे पास ये लेस है, तो मैं अभी इसमें से मैंने ये लेस ली है और इसमें से मैंने इसको मेजर कर लिया है कि कितनी मुझे लेनी है। अब मैं इसको इसके ऊपर चिपका रही हूँ। मैंने इस पर फेविकोल लगा लिया है इस तरीके से। देखो अब मैंने ये इस पे ये लेस चिपका दिए। अब मैं इस पे नीचे की साइड ये वाली लेस को चिपका दूंगी। ये देखो ये लेस मैंने ऊपर की साइड चिपकाई है, ये वाली देखो इस तरीके से ये लेस मैंने चिपका दिए। अब मैं इसको अब ये देखो अब ये नीचे की तरफ भी मैं इसमें ये वाली लेस को इसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर चिपकाई थी इसको मैं गम की सहायता से चिपका दूंगी, फेविकोल की सहायता से। ये देखो इस तरीके से फेविकोल लगा के इसके ऊपर। अब मैंने इस वाली लेस को
देखो इस तरीके से यहाँ पे चिपका दिया है, जैसे ऊपर चिपकाई थी इसी तरीके से नीचे। अब देखो अब ये मेरा आधा कलसा सज चुका है अभी, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत काम है। अभी मैं इसमें सीसे लगाऊंगी, मोती लगाऊंगी, अभी ये वाला गोटा भी लगाऊंगी। अब पहले मैं ये वाला गोटा लगाती हूँ, अभी ये वाली लेस भी लगाऊंगी इसकी गर्दन पे। अब मैं पहले इसमें ये लगाती हूँ गोटा पट्टी। ये देखो ये मैंने गोटा है, मैंने बताया था आपको कि ये लेस, इसको हम लेस बोलते हैं, इसको गोटा बोलते हैं। अब इस गोटा को मैं इसमें चिपकाऊंगी इस तरीके से, यहाँ जो जो ये खाली स्पेस है यहाँ पे सारे में इसको, इस गोटे को मैं चिपका दूंगी। अब मैंने ये, मैंने आपको बताया था गोटा पट्टी थी उसमें से मैंने ये पीसेस काट लिए थे, और जहां जहां पे मेरा स्पेस खाली बचा हुआ था वहां पे इस तरीके से मैंने इसको कवर कर दिया है। अब मैं इस पे ये वाली लेस का प्रयोग करूंगी, और इस वाली लेस को इसके यहाँ पे मैं इस तरीके से इस वाली लेस को यहाँ पे चिपका दूंगी इस तरीके से, ये इस तरीके से इसका मेजर करके मैं इसमें से ये लेस इतनी निकाल लूंगी और इसको इस तरीके से चिपका दूंगी, इसको कवर करती हूँ आगे तक इसको चिपका दूंगी। इस तरीके से मैंने भी इसको चिपका दिया है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ये हमारा बचा है, इस पे थोड़ा सा फेविकोल लगा देती हूँ जो अच्छे से ये चिपक जाएगा। ये इस तरीके से ये मेरा आधा कलसा डेकोरेट हो चुका है, ये कलश देखो। अब मेरा ये आधा डेकोरेट हो चुका है, अभी मैं इसमें क्या लगाऊंगी, अब मैं इसमें कुछ शीशे हैं मेरे पास, कुछ मोतियां हैं और कुछ ये बड़े शीशे हैं। अब मैं इनको इस पे और डेकोरेट देने के लिए, इसकी डेकोरेशन और बढ़ाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए इन सब चीजों का प्रयोग भी अभी करूंगी। इस तरीके से ये मैंने इस पे चारों साइड शीशे चिपका दिए, ये देखो चारों साइड मैंने इस पे शीशे चिपका दिए। अब मैं इसके शीशे के चारों तरफ, ये मोतियां हैं मेरे पास, ये मेरे पास मोतियां हैं, इनको मैं अब शीशे के चारों तरफ लगा दूंगी जिससे कि और भी सुंदर लगेगा। अब ये मैं इस पे इस तरीके से मोतियां लगा रही हूँ, इस तरीके से मोतियां मैंने इस पे सारे पे ये लगा दिए। यहाँ पर मैं इसमें गुम है थोड़ी सी कम, इस तरीके से मैंने सारा कर दिया है। देखो ये इस तरीके से मैंने इस पे सारे ये मिरर्स और ये मोतियां सारे लगा दिए। देखो अब मेरा कलसा मोस्टली तैयार सा, लेकिन अभी इस पे और कुछ डेकोरेट करूंगी मैं, अभी आपको दिखाऊंगी मैं। अभी इस पे मैं ये छोटे छोटे शीशे हैं जो यहाँ पे जो ये स्पेस बचा हुआ है ये मैं यहाँ पे इस तरीके से लगाऊंगी, जो स्पेस बचा हुआ है मेरा ये यहाँ पे ऐसे एक एक शीशा मैं लगा दूंगी, तो इससे कि और अच्छा ये लगेगा। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये छोटे छोटे मिरर्स लगा दिए हैं, अभी मैं इसको यहाँ से भी थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी, फिर इसके बाद मेरा ये पूरा कलसा तैयार होके तैयार हो जाएगा। हमें यहाँ पे थोड़ा सा भी ये अच्छा नहीं लग रहा खाली खाली, यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको डेकोरेट करती हूँ। इसको मैं चुनरी प्रिंट पेपर से डेकोरेट करूंगी, से इसको कवर करने के लिए मैंने ये चुनरी प्रिंट जो मेरा पेपर था उसी में से मैंने इसको डिजाइन निकाल लिया है, और अब मैं इसको इस पे कवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये जो थोड़ा सा ऊपर का एरिया थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए, तो मैं इसको सारा इस तरीके कवर कर दिया है। और अब ये मेरा पूरा कलसा तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरा सजाया हुआ कलसा कलश पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट लिखकर मुझे बताएं कि मेरी डेकोरेट की हुई थाली और कलश आपको कैसे लगा।